अंधकासुर की कहानी कुछ इस तरह की है कि शिवजी यहीं उत्तराखंड हिमालय में तपस्या में बैठे हुए थे, शांत बैठे हुए, तो माँ पार्वती कौतूहलवश उनकी तीनों आंखें बंद कर डाली, है ना, तीनों आंखें बंद कर डाली हूँ। तो जब तीनों आंखें बंद कर डाली तो शिवजी तो जान तो पाए कि हाँ माँ पार्वती हैं, लेकिन थोड़ी देर के लिए शांत बैठे रहे। शांत जब बैठे रहे तो बोलते हैं ना कि धगत 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 ज्वल ललाट पट्ट पावके किशोर चंद्र शेखरे रति प्रतीक्षण मम, यानी कि जिनका कि ललाट पट्ट एक आग की तरह धग 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 गरम जलता है और दीप्तिमान है जो, तो माँ पार्वती आँख जब बंद की हुई थी उनका, तो इस गर्मी से कुछ पसीने की बूंदें आ गई बाहर, और कहते हैं कि उन बूंदों से एक बालक पैदा हुआ, नाम रखा गया अंधक, क्योंकि जन्मजात दृष्टि दिव्यांग था, दिखाई नहीं देता था उसे। तो माँ पार्वती ने उसे पोल पाल पोस कर बड़ा किया, दोनों ने बड़ा स्नेह से उसे बड़ा किया। ये उस समय की बात है जब हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष उसका भाई ये हुआ करते थे। तो हिरण्यकश्यप तो आप जानते हैं, नरसिंह अवतार ने उनका वध किया। उनके भाई हिरण्याक्ष ये तपस्या कर रहे थे और शक्तियां चाहते थे, तो तपस्या करते करते भोलेनाथ प्रसन्न हुए, माँ पार्वती के साथ प्रकट हुए। हिरण्याक्ष ने कहा कि मेरे भाई के पास तो प्रह्लाद पुत्र है, उसका आगे ले जाएगा, मेरे पास कोई बच्चा नहीं, तो आपके गोद में जो ये बच्चा है यही मुझे दे दें। तो शिव जी ने बोला तथास्तु, बालक को ले गया। अब देखिए, जो बालक इतना दीप्तिमान प्रभावशाली था वो चला गया किसके पास? हिरण्याक्ष के पास। ये राक्षस, ये राक्षस, हाँ असुर है जी। तो असुर है, तो असुर प्रकृतियाँ शुरू हो गईं, और जैसे ही शक्तिवान हुआ, पहले पृथ्वी को परेशान किया, फिर देवताओं को परेशान किया। अब जब देवताओं को परेशान किया, पृथ्वी को परेशान किया, तो उसका नाश करने के लिए वराह अवतार स्वयं आए। पृथ्वी को उन्होंने उद्धार किया, अपने दोनों दांतों के ऊपर रखा हुआ पृथ्वी को, और अंधक को पृथ्वी का राजा बना दिया। तो अंधक जो कि शिवजी का पुत्र था पर हिरण्याक्ष के द्वारा पालित था, उसको पृथ्वी का राजा बना दिया। अंधक राजा बन गया, वराह वापिस चले गए, लेकिन था तो असुर जी। जैसे शक्ति आ गई तो ना, पावर करप्ट्स एंड करप्ट्स एब्सोल्युटली, तो पावर करप्ट नहीं करता है, पावर या शक्ति एक मौका दे देता है कि अगर आपके अंदर का असुरत्व है तो वो सामने आ जाएगा, देवत्व है तो वो सामने आ जाएगा। तो अंधक का असुरत्व सामने आया, बोला कि ठीक है, अब तो मैं राजा बन गया हूँ इस मही का, इस पृथ्वी का, रानी की आवश्यकता है, जाओ रानी खोज लो। तो सारे असुर दौड़े निकले कि भाई रानी खोजेंगे किसी को। केदारनाथ के आसपास आए कहीं, माँ पार्वती वहाँ फूल तोड़ती हुई नजर आई और नंदी के साथ नजर आई, तो सबको लगा कि अरे इससे अच्छी तो रानी कोई हो नहीं सकती। तो तुरंत गए, अंधक को बोला है रानी मिल गई, चलो युद्ध करते हैं। तो अंधक आया अपने दल बल के साथ युद्ध करने के लिए और माँ पार्वती को हरने के लिए। होना क्या था? होना ये था कि शिव जी आए वापिस तपस्या से, अंधक को अपने त्रिशूल से टांग दिया ऊपर, और जितना भी खून था उसका बह गया, होश वापिस आ गया, वापिस उसको बुद्धि आ गई, और उसको ये समझ में आ गया कि जैसे उसके पिता थे जिन्होंने इस धरा जो कि हमारी माता है ना, माता त्वम पुत्रो हम पृथिव्या, बोलते ना सुबह उठकर तू माँ है मैं पुत्र हूँ, मुझसे कोई गलती हो जाए क्षमा करना, पैर रखने जा रहा हूँ, बोलते हैं ना हमारी तरफ, बोलते हैं ना भाई तू माँ है। तो इशारे में बोलने की ये कोशिश की जा रही थी कि भाई पिता देखिए इसी पृथ्वी को धुन दिया, तो वराहा ने नाश किया। बच्चा था पार्वती शिव का, लेकिन लालन पालन एक असुर के यहाँ हो गया, उसे पता भी नहीं था ना, उसे पता भी नहीं था। तो लालन पालन लेकिन एक असुर के यहाँ हो गया, जब एक असुर के यहाँ हो गया तो आसुरी प्रकृति कैसे भी आ गई। तो आप भले ही एक अच्छे जगह से जन्म लिए हो, लेकिन आपका अगर लालन पालन भी ठीक ना हुआ तो लक्षण आ जाएंगे आपके। जी,
वापिस होश आ जाता है, लेकिन लक्षण आ जाएंगे। तो एक योगी कैसे योग भ्रष्ट होता है ना, ये शब्द बड़ा पारिभाषिक शब्द है, योग भ्रष्ट होना, यानी कि आपको एक बार तो बुद्धिमत्ता आ गई, अंधक इस क्षमता का रहा होगा कि वराहा ने उसे राजा बनाया ना, इस क्षमता का रहा होगा, लेकिन योगी योग भ्रष्ट हो गया। माँ पार्वती की बात सुनकर सोचा कि इसे ही अपनी पत्नी बना लूं, भोग लूं इसे, तो पृथ्वी को भोगने की इच्छा, इशारे में बोला जा रहा है बात, पृथ्वी को भोगने की, माँ को भोगने की जो इच्छा होती है, हम आपको भी होती है, गैर जरूरी हम लाइटें जला दें, पेड़ों को गैर जरूरी काट दें, पृथ्वी को भोगने की तो कोशिश कर रहे हैं हम लोग। तो इशारे में ये बता दिया गया फिर से कि जब जब भी जननी के ऊपर किसी भी तरह का हम विचार करेंगे, चाहे वो प्रदूषण के माध्यम से हो, चाहे वो माइनिंग के माध्यम से हो, चाहे वो किसी भी माध्यम से हो, प्रकृति बिल्कुल वापस हमारे ऊपर आएगी और उसके लाठी में आवाज़ नहीं होती जी। तो अंधक वापस होश में आया। तो इस तरह हम देखते हैं कि एक दिव्यांग योगी भी होता है, राजा भी होता है, योग भ्रष्ट भी होता है जी। लालन पालन का भी उस पर असर पड़ता है। ये रहा अंधक जो कि दिव्यांग था पर दिव्यता कभी पा गया था, कभी खो दिया था जी। सर, अंधक और राम तो त्रेता युग के हुए हैं, क्या कोई कलयुग में ऐसी शख्सियत हुई है जिन्होंने दिव्यता को अपने अंगों के ऊपर रखकर एक मिसाल कायम की जो हम सबके लिए प्रेरणादायी बना? क्यों नहीं है, बिल्कुल है। आप अभी जो सिनेमा आई थी पद्मावत जी, रानी पद्मिनी की कहानी है, जिन्होंने दिव्यता को अपने अंगों के ऊपर रखा, उस समय की सबसे प्रभावशाली सबसे खूबसूरत महिला थी, श्रीलंका के राजा की राजकुमारी थी, यहाँ से राणा रतन सिंह कुछ मोतियों की खोज में श्रीलंका गए हुए थे, छत्राणी थी, तो रानी पद्मावती शिकार कर रही थी और एक तीर भटक कर आके राणा रतन सिंह को लग गया। तो अब जब तीर लग गया है तो सेवा की गई और ये तय किया गया कि राणा रतन सिंह जी का विवाह होगा रानी पद्मिनी के साथ। तो श्रीलंका से रानी पद्मिनी विवाह कर ले आई गई और राजस्थान, उस समय का सुल्तान, क्रूर सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी था जी। तो रानी पद्मावती जब यहाँ आई तो उनके खूबसूरती के चर्चे जो थे उसको वो दूर दूर तक फैल गए। ऐसे बोलते हैं कि घरों के तोते भी उनकी खूबसूरती की कविताएं गाया करते थे और कवि कविताएं लिखा करते थे, अद्वितीय थी। तो अलाउद्दीन खिलजी चाहता था कि अपने हरम में रानी पद्मावती को भी रखे। खैर उनके दिमाग में तो सिर्फ, जबकि वो खुद शादीशुदा भी थी ना। हाँ, वो खुद शादीशुदा और धर्म पत्नी, एक पत्नी तो था। ये जो सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, ये सारी धारणाएं भारतवर्ष की हैं, जहाँ की विवाह तो दिव्यता की तरफ एक कदम होता है, गृहस्थ आश्रम संन्यस्त आश्रम की तरफ का एक पायदान होता है, और कभी भी यहाँ महिला को भोगने की वस्तु के जैसा नहीं रखा गया है, हरम हमने कभी नहीं बनाए। और अनुज वधु भगिनी सुत नारी, हाँ ऐसे ही कुछ बोल रामचंद्र बोलते हैं ना, जब जहाँ की वो हुआ ना जिसमें कि फिर बाली पूछता है कि मारो मुँह व्याध की नाई में, मुझे क्यों मार दिया व्याध की तरह जी, अवगुण तो मेरे बोलो। तो राम जी बोलते हैं कि चार तरह की जो महिलाएं होती हैं वो बेटी जैसी होती है, जिसमें कि अनुज वधु भगिनी सुत नारी, ठीक है, ये तो चार जो होती हैं वो बेटी की जैसी होती है, और इन पर जो बुरा निगाह रखता है ये तो मृत्युदंड का अधिकारी होता ही है, तो इसलिए मैंने मारा, तुम्हें कुछ गलत नहीं किया, मृत्युदंड के साथ तुलना करते हैं। तो दूसरों की पत्नी के ऊपर नजर देना, ये सिर्फ राम जी नहीं बोल रहे हैं, ये आचार्य चाणक्य भी बोलते हैं ना कि मातृवत परदारेषु, दूसरों की पत्नी के ऊपर जो माँ के जैसा देखता हूँ, परद्रव्येषु लोष्ट्रवत, दूसरों का जो संपत्ति है वो अपने में किसके जैसा देखता है, लोष्ट्रवत, मिट्टी के जैसा देखता है ना, आत्मवत सर्वभूतेषु, अपने जैसा सब में देखता है, सा पश्यन्ति पंडिता, वही है जो कि पंडित है, ऐसा जो देख लेता है। उसके और आगे अगर चले आचार्य चाणक्य, चले 2000 साल पुराने हो गए, शिवाजी महाराज को ले जाइए, शिवाजी महाराज के लिए जब
ये पुणे के आसपास, पुणे आसपास या इधर बम्बई के आसपास एक जगह का जो उस समय का मुसलमान नवाब था, या नवाब तो नहीं था, मुसलमान जो भी शासक था उसको जो हराया इन लोगों ने और उसकी बेटी को उठा लाए और महाराज शिवाजी के सामने बोला कि लो ये भी हमारी महिलाएं ले जाते हैं ना, पेश है इनकी बेटी। तो क्या बोला था शिवाजी महाराज ने कि माफ़ करना, अगर मेरी माँ तेरे जैसी सुंदर होती तो मैं इतना बदसूरत नहीं होता था। तो ये संस्कार तो हमारे में चलते हैं ना, यूं 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 जी। तो किसी दूसरे की पत्नी के ऊपर नज़र रखना भारतवर्ष में जी हमारे संस्कारों में नहीं है, नहीं है, आज से नहीं, सदियों से नहीं है। अब अलाउद्दीन खिलजी बाहर से आया हुआ आदमी था, उसके लिए तो महिला भोग की एक वस्तु थी, तो इसलिए वो चाहता था कि रानी पद्मिनी को भी अपनी हरम का एक हिस्सा बनाए। तो आक्रमण कर बैठा, जब आक्रमण कर बैठा तो घेराबंदी कर दी उसने, किला की घेराबंदी जब कर दी, लेकिन खाद्य पदार्थ इतना ज्यादा था अंदर, सब कुछ इतना बेहतर था कि जो राणा रतन सिंह और उनके लोग थे किला के अंदर घेराबंदी में रह गए। बहुत दिन हो गया था, इसके भी लोग मरने लगे थे, खिलजी के लोग। तो खिलजी बोला कि मैं शांति प्रस्ताव लेके जाता हूँ। शांति प्रस्ताव लेके अंदर गया, अंदर जाकर क्या बोलता है, अंदर जाके बोलता है कि ठीक है मैं शांति प्रस्ताव देने आया हूँ। उस बीच कई एक संदर्भ लिखे गए हैं किस तरह से वो जब खाना दिया जाता है तो खाना बदल देता है, तो राणा रतन सिंह मुस्कुराते हैं और वो खाना खाने लगते हैं, वगैरह वगैरह वगैरह। बहुत देर तक बैठा और बोलता कि मैं ठीक है मैं जाना चाहता हूँ, लेकिन एक दफ़ा देखना चाहता हूँ आपके परिवार के लोगों को। तो राणा रतन सिंह ने बोला यही तो मेरे परिवार के लोग। बोला कि नहीं, हमने सुना है कि पद्मिनी आपकी पत्नी हैं, उन्हें देखना चाहता हूँ। तलवारें खिंच गई थी, लेकिन मंत्रियों ने बोला कि अगर ये व्यक्ति सिर्फ देख के जाना चाहता है, मिलना चाहता है, तो देख के जाने दीजिए इसको, युद्ध टल जाएगा। तो तय ये हुआ कि परछाई माँ पद्मिनी की एक देखी जाएगी। तो परछाई माँ पद्मिनी की देखा और बस मोहित हो गया, षड्यंत्र रचा और बोला कि मुझे छोड़ने नहीं जाओगे बाहर तक। बाहर तक छोड़ने के लिए ले जाने के बहाने एक सुरंग के माध्यम से उन्हें ले गया दिल्ली। दिल्ली जब ले गया तो माँ पद्मिनी वापस गई थी और उन्हें छुड़ा के लाई थी वापस, छत्राणी थी लेके आई थी। उस चक्कर में इनके दो मुख्य नायक जो थे, उनके नाम पे कविताएं भी हैं, नाम भूलता हूँ मैं, दोनों मारे गए और सेना भी मारी गई, क्योंकि वो तो वहाँ से छुड़ा के लेके आए, सबसे मजबूत गए थे लोग। फिर घेराबंदी कर दी इन्होंने युद्ध के लिए ललकारा। इनके पास इतना भोजन सामग्री अब नहीं था, जब नहीं था तो युद्ध के लिए उतरे, दूसरे दिन युद्ध के लिए जाना है। तो माँ पद्मिनी ने जौहर की अनुमति ले ली थी, जौहर की अनुमति देता पति। अच्छा, एक कैसे अनुष्ठान होता है, बिल्कुल अनुष्ठान होता है, अनुमति हाथ अपने देता है, यूं उस साड़ी के ऊपर हाथ अपने लगाता है लाल रंग के कुमकुम से पति, जिसे पहनती है। फिर तो जौहर की अनुमति देके जाते हैं राणा रतन सिंह, युद्ध के लिए जाते हैं और छल से मार डालता है अलाउद्दीन खिलजी उनको। और दौड़ा चला आता है किला की तरफ। जब किला की तरफ दौड़ा चला आ रहा है तो माँ पद्मिनी साथ में और 1600 महिलाएं जलती हुई हु चिता के अंदर घुस जाती है। वो अंदर घुसता है, दौड़ता हुआ बचाने की कोशिश करता है, लेकिन अब बचती नहीं है। वो सर पीट लेता और बोलता कि अरे रानी ही तो मेरे पास बनना था, इसे बनना तो रानी था, इसे तो ये सारे सुख में देता था जो कि यहां रतन सिंह दे रहा था, उससे बेहतर सुख देता था, क्योंकि मैं तो सुल्तान हूं अभी हिंदुस्तान का। ये जल क्यों गई, ये सर पकड़ कर बैठ गया और इसके लिए मैं इतना दूर आया, इतना नुकसान। तो पास के जो उसके सलाहकार थे जो कि हिंदुस्तानी थे, वो बोले कि आप नहीं समझोगे, सही बात। और खिलजी बार बार पूछता रहा कि ये जल क्यों गई, मेरे साथ रह सकती थी, मैं तो उसको रानी बनाए रखता था। तो यहां देखिए, अपनी सतीत्व को, एक पतिव्रता को, अपने क्या इस बात को कि मेरा शरीर एक वस्तु नहीं है कि तुम, मैं किसी को भी परोस दूं जी, या मेरी इच्छा के बिना तुम इसे भोग जाओ या छू जाओ, और शरीर के बाहर भी कुछ चीज है जो कि बचाए रखने योग्य है, इस दिव्यता को बताती है रानी पद्मिनी, इसलिए तो पूजी जाती हैं।